सो गाइस द एक्शन डेविल एंड स्वागत करता है आज का एक और वीडियो में। गाइस आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने रियलमी 6 के प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि मैंने बताया था। सो गाइस आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट करते हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ इस टॉपिक पे। सो स्पेशली तो मैं कोई टेक रिव्यूअर नहीं हूँ, मैं पहले ही आप लोगों को बता देता हूँ, बट हाँ मैं जो फ़ोन यूज़ करता हूँ ना उस पर उसका जो चीज़ है मतलब उसका जो फंक्शंस वगैरह एंड लैग वगैरह होता है उसके बारे में मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखो स्पेशली जो टेक यूट्यूबर्स हैं वो लोग मेरे से अच्छा जान सकते हैं, ठीक है, बट एक गेमर होने के नाते आप लोगों को जो प्रॉब्लम मतलब आप लोग इशू कर रहे हो उसका मैं सॉल्यूशन कुछ दे सकता हूँ। सो गाइज देखो आप लोग बहुत सारे बंदे मेरे को कमेंट करते हो कि भाई केयर वर्जन लैग हो रहा है, बहुत लैग हो रहा है, मैंने फ़ोन रीसेट कर दिया, फिर केयर वर्जन इंस्टॉल किया, मेरा डिस्प्ले प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, मतलब लैग हो रहा है बहुत सारा, तो मैं क्या करूँ। ठीक है अभी गाइज देखो केयर वर्जन मेरा भी लैग होता है, ठीक है, अभी जो चीज़ है मैं तो ग्लोबल वर्जन खेल रहा हूँ, अभी मेरा ग्लोबल वर्जन मतलब चल रहा है, सो मैं ग्लोबल वर्जन ही खेल रहा हूँ। ग्लोबल वर्जन केयर वर्जन जैसा लैग नहीं करता, मतलब बिल्कुल लैग नहीं करता ग्लोबल वर्जन, ठीक है। अभी गाइस देखो जो केयर वर्जन है उसका लैग फिक्स तो नहीं हो सकता, बट मैं कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोगों को बताऊँगा उससे शायद से लैग फिक्स हो भी सकता है। एंड गाइज मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, वीडियो बनाने में एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सो गाइज इसको अप्रिशिएट करते हुए अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप लोग 96% बंदे बिना सब्सक्राइब के वीडियो देखते हो, गाइज प्लीज़ यार एटलीस्ट मतलब 50% बंदे यार सब्सक्राइब कर दो, बहुत मतलब आप लोगों को शुक्रिया करूँगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड जो भी वीडियो देख रहे हो ना गाइज एक लाइक ज़रूर कर देना एंड नीचे एक कमेंट करके ज़रूर बताना आपका क्या प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है। सो शुरू करते हैं मुद्दे पे। सो देखो गाइज अब मतलब Realme 6 में जो मेन प्रॉब्लम केयर में आ रहा है वो है लैग इशू, ठीक है, फ्रेम ड्रॉप तो हो ही रहा है बट कुछ कुछ जगह पे अपना गेम मतलब रुक भी जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सो आप लोगों को खेलने में मतलब दिमाग का वो हो रहा होगा। सो भाई देखो इसका प्रॉब्लम जो मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने बताया कि ये कोई केयर वर्जन का प्रॉब्लम नहीं है, एक सर्वर इशू है, ठीक है, एक सर्वर इशू है एंड इसको फिक्स करने के लिए गाइज आप लोगों को मतलब आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है इंडिया सर्वर अभी बैन कर दिया है एशिया से। सो जब तक इंडियन वर्जन नहीं आ जाता ना केयर वर्जन में ये लैग इशू आप लोगों को मिलेगा। एंड कुछ कुछ भाई लोग मुझे ये भी बता रहे थे कि भाई मतलब कि केयर वर्जन में लैग हो रहा है इसका मतलब गेम ऑप्टिमाइज नहीं है। ब्रो ऐसा कुछ चीज़ नहीं है क्योंकि मैंने केयर वर्जन पहले भी खेला था, यू नो बैन होने के पहले सब तब ना केयर वर्जन इतना लैग नहीं होता था ब्रो। एंड एक बंदे ने बोला कि भाई कोरियन में ऐसे रियलमी फ़ोन्स वगैरह चलते नहीं सो इसलिए लैग हो रहा है केयर वर्जन। ब्रो ऐसा कोई सीन नहीं है बट हाँ केयर वर्जन देखो केयर वर्जन लैग होने का बस एक ही वो है मतलब जो सर्वर इशू, ठीक है। सो केयर वर्जन बहुत ऑप्टिमाइज है गाइस, ट्रस्ट मी केयर वर्जन ग्लोबल वर्जन से अच्छा चलता है, अभी सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है ना इसलिए आप लोगों को ऐसा प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा होगा। सो कोई नहीं उसका तो सीन छोड़ ही दो। सो आप लोग फिक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है गाइस, अभी देखो मैं आप लोग जो बताऊंगा ना वो आप लोग ट्राई करके देखो, मेरा थोड़ा बहुत हुआ था केयर वर्जन फिक्स, आप लोगों का भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। सबसे जो मतलब जो सबसे एग्जैक्ट तरीका है वो आप लोग केयर वर्जन को छोड़ दो, अगर ग्लोबल वर्जन चल रहा है आपका सो ग्लोबल वर्जन ही खेलो, अगर नहीं चल रहा तो आप लोग वियतनाम वर्जन डाउनलोड कर लो, बट मेक श्योर टू वियतनाम वर्जन में अपना रियल आईडी लॉगिन मत करना तो वो आईडी वापस और नहीं आएगा, इंडिया वर्जन जैसा है वियतनाम में पूरा माइग्रेट हो जाएगा। सो अभी जो चीज़ मैं बताऊँगा कि वियतनाम वर्जन में न्यू आईडी करके खेल सकते हो, एंड अगर आपको कोरियन ही खेलना है तो आप लोग जो चीज़ कर सकते हो जो आप अपने फ़ोन में बैटरी में जाके हाई परफॉर्मेंस मोड है उसको एक्टिव कर दो एंड अपने गेम स्पेस में जो कॉम्पिटिटिव मोड है ना कंपटीशन मोड ऐसा करके लाल वाला हो जाता है वो आप लोग एक्टिव कर लो, ठीक है। अगर मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं रियलमी फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो गाइज आप लोग समझ रहे होगे जो रियलमी 6 यूज़ करते हो, सो ऐसा चीज़ आप लोग कर लो थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे सेम चीज़ें बताएं बट उससे मेरा 20% तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व बट 80% नहीं हुआ। सो आप लोग ये ट्राई करके देख सकते हो, हाँ मैं ये तो गारंटी दे सकता हूँ कि थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट हाँ अगर आप मतलब बहुत मतलब दिमागी हो सो एक चीज़ करना, वियतनाम वर्जन खेलना स्टार्ट करो या फिर ग्लोबल वर्जन आपका चल रहा है तो ग्लोबल वर्जन ही खेलो, या फिर आप लोग को केयर पे ही जाना है तो आप लोग केयर वर्जन मस्त खेल सकते हो, बस ये दोनों तरीके आप लोग एक्टिव कर लो।
सो ये दोनों चीज़ें आप लोग एक्टिव कर लो, सो उससे थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड गाइज, बहुत लोग बोलते हैं कि डेवलपर ऑप्शंस ऑन कर लो, ये कर दो वो कर दो, ड्राइवर में गेम घुसा दो, ऐसा कुछ बोलते हैं। सो वो सब चीज़ें मत करना गाइज, क्योंकि उससे आपका फ़ोन को मतलब नुकसान हो सकता है। सो मेक श्योर टू वो सब चीज़ें आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। एंड देखो गाइज, मैं अभी बैकग्राउंड में जो गेम प्ले वो भी रियल मी 6 में है एंड बहुत स्मूथ चल रहा है, आप लोगों को दिख रहा ही होगा। एंड ये मैंने ग्लोबल वर्जन पे किया है। सो ये मत सोचना कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया, आपका फ़ोन में दिक्कत है, ऐसा कोई सीन नहीं है, बस सर्वर का इशू है, क्लियर वर्जन इसलिए नहीं चल रहा। एंड और जो चीज़ है, इंडियन वर्जन आने दो, तब देखना आपका फ़ोन का पावर, ठीक है। सो गाइज, यही था आज का कुछ वीडियो एंड मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। तो वीडियो जो जो भी बंदे अभी तक देखे हो, नीचे एक एक लव कमेंट कर देना, मतलब एक एक हार्ट इमोजी कमेंट कर देना। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, 90% बंदे आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। एंड गाइज, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मुझे बहुत मतलब आप लोग लाइक करोगे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है एंड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज, गेम प्ले वीडियो भी देखो, मैंने दो दो गेम प्ले मतलब डाले थे पहले, सो गेम प्ले वीडियो ही ज़रूर देखना। सो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, बाय बाय। Look